दोस्तों बुर्ज खलीफा का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा मानव इतिहास की अब तक की सबसे ऊंची इमारत है, और इस इमारत के बनने से पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी ऊंची इमारत कभी बनाई भी जा सकती है। और इस इमारत को बनाने में सिर्फ पैसे खर्च नहीं हुए, बल्कि यह 12,000 कारीगरों की दिन रात की मेहनत ही थी जिसने कि इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। और यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसके लिए अलग से कई तरह की मशीनों और क्रेनों का निर्माण करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, करीब 830 मीटर ऊंची और 163 मंजिलों वाली इस इमारत की पूरी स्टोरी को हम शुरू से डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2004 से, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर एमआर ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर फर्म स्किडमोर ओविंग्स एंड मेरिल को दी, और इसी फर्म के एक आर्किटेक्ट एंड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने का श्रेय दिया जाता है। जबकि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग सीएनटी कॉर्पोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई और बड़े प्रोजेक्ट जैसे ताइपेई 101 पर भी काम कर चुकी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि ताइपेई 101 बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। लेकिन दोस्तों सैमसंग सीएनटी कॉर्पोरेशन को दिया गया यह काम इतना बड़ा था, इसे बेल्जियम की बेसिक्स और यूएई की अरबटेक कंपनी के साथ मिलकर पूरा किया गया। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 2004 में बुर्ज खलीफा का बेस बनाया जा रहा था, तब लोगों को पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम किया जा रहा था। और काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। 2007 में इसने सियर्स टावर का बिल्डिंग विद द मोस्ट फ्लोर्स का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। और दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका में स्थित सियर्स टावर के कुल 110 फ्लोर्स हैं, साथ ही इसकी ऊंचाई करीब 527 मीटर है। और इसी साल यानी कि 2007 में ही इस इमारत ने 4 और भी रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जैसे रिकॉर्ड फॉर वर्टिकल कंक्रीट पंपिंग, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग और टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। और फिर 7 अप्रैल 2008 को 629 मीटर की ऊंचाई के साथ बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया। और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद एमआर ने घोषणा की कि इसके पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को सीक्रेट रखा जाएगा। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ताइपेई 101 की ऊंचाई से बस कुछ ही मीटर ज्यादा रखा गया था, लेकिन इसका नींव इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसकी ऊंचाई करीब 300 मीटर तक और बढ़ाई गई। और ऊंचाई बढ़ने के साथ ही इसको बनाने के कीमत में भी काफी इजाफा आया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद से हेल्प ली गई, और उन्हीं के फाइनेंशियल मदद से ही यह काम आगे बढ़ सका। और दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर था, लेकिन प्रेसिडेंट की मदद के बाद से जब इसको ओपन किया गया तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई, और इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुबई के इस करिश्मे को देखा। और इस प्रोजेक्ट में कुल खर्च लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स आके गए हैं, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। 10 मार्च 2010 को बुर्ज खलीफा को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने की घोषणा की गई, और तब से लेकर अब तक यह रिकॉर्ड इसी इमारत के नाम है। और दोस्तों 2012 तक इस बिल्डिंग का लगभग 80% हिस्सा इस्तेमाल के लिए लोगों ने ले लिया था। तो दोस्तों यह थी कहानी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की। उम्मीद है कि आपको यह इंटरेस्टिंग जानकारियां पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।